करूंगा। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हुआ हो, जिस पार्टी का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हुआ हो, जिस पार्टी का तमाम जिला का अध्यक्ष हुआ हो, जिस पार्टी का प्रधान महासचिव हुआ हो, जिस पार्टी का युवा का प्रदेश अध्यक्ष हुआ हो, वो अगर युवा के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन पार्टी सोचेगा बताइए। अपने परिवार को दो खंड में बांटने का काम किया, जिनको जब भी हम लोग दिल्ली जाते थे स्वर्गीय रामदास पासवान जी के यहाँ, वो एक ही शब्द बोलते थे कि जाइए छोटा भाई तारा से। ये युवा की तादाद, ये युवा चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। बहुत लोग कहते हैं, खास करके मेरे से सवाल किया जाता है, युवा के लिए आपकी पार्टी क्या सोचती है? अरे युवा के लिए क्या सोचती है हमारी पार्टी, आप सुन लीजिए भाइयों, सभी साथियों। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हुआ हो, जिस पार्टी का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हुआ हो, जिस पार्टी का तमाम जिला का अध्यक्ष हुआ हो, जिस पार्टी का प्रधान महासचिव हुआ हो, जिस पार्टी का युवा का प्रदेश अध्यक्ष हुआ हो, वो अगर युवा के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन पार्टी सोचेगा बताइए। जिस तरीके से आगामी आप देख रहे होंगे पिछले चुनाव 2020 में युवा को ठगा गया, बोला जा रहा है 10 लाख नौकरी, 19 लाख नौकरी, समझ रहे हैं? आगे बैठ जाइए, देखिए भाइयों, प्लीज आगे जितने लोग हैं सब एक बैठ जाइए, पीछे के लोग भी देखेंगे, एक बहुत सुंदर माहौल होगा। आगे के लोग बैठ जाइए ताकि पीछे के भी लोग देखेंगे। आज इस धरती पर सिर्फ आप ही के चलते हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ गया है। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूँ कि आपको बैठानी है आदरणीय चिराग पासवान जी को सुनने के लिए, और उतने ही पैसे में मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है यहाँ के जनता को संबोधित करने के लिए। एक चीज कहना चाहूंगा, युवा किसी का मोहताज नहीं है। तुम नौकरी तो चाहे नहीं तो हम अधिकार छीनना जानते हैं। हम वो युवा बिहारी हैं और हमारे पार्टी का जो डिविजन है बिहार फर्स्ट बिहारी पर, कोई भी पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो वैसा भी चलाने नहीं जा रहा है। साथियों, 10 लाख और 19 लाख जोड़ के 29 लाख नौकरियां होती है, लेकिन 29,000 भी नौकरी किसी भी युवा को नहीं मिली। बहुत पीड़ा होता है जब देखता हूं कि बिहार के युवा दूसरे राज्य में जाकर के कड़कड़ के रूम में ऐसे ही तपती गर्मी में, कड़कड़ का कहानी आप लोग जान लीजिए, गर्मी में उतना ही गर्मी ठंडा में उतना ही ठंडा। वो विद्यार्थी अकेले खाना बनाता है साइकिल चला करके, एक कोचिंग वो कोचिंग फलाना कोचिंग, और जब उसको पता चलता है कि ये वैकेंसी आई जिसमें मैं फॉर्म भरा, जिसका मैं एग्जाम दिया, सरकार के कुछ नुमाइंदा मिल गए, उसका क्वेश्चन पेपर लीक आउट कर दिए और परीक्षा रद्द कर दिया जाता है। हमारा काम है अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से सरकार चला। वह सरकार तो जरूर चला रहे हैं साथियों, लेकिन आंख बंद करके सत्ता देख रहे हैं। लेकिन युवा लोक जनशक्ति पार्टी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जिंदाबाद, जो घर में सपना देखते हैं वो सपना होता है साथियों समाज को सुंदर बनाने का सपना। और मैं दोबारा इस चीज को दोहरा रहा हूं कि हमारा पार्टी
हमारे नेता हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरीके से पूरे देश में हाजीपुर का नाम रोशन किया, इस धरती को कर्म भूमि कहलाने का नाम उन्होंने किया, भविष्य में आपके आशीर्वाद से अगर हाजीपुर जाना जाए तो हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के चिराग पासवान जी के नाम।